गर्मी के मौसम में जब ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक मिले ना, तो वाओ कितना अच्छा लगता है ना, और कितनी पेट में भी ठंडक पहुंचाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्वादिष्ट सा मिल्क शेक, जो बच्चे भी पसंद करेंगे और उनको बहुत पसंद आएगा। घर में सभी लोगों को तो कुछ नहीं करना है, बस मैंने ले लिया इसके लिए 2 मग दूध, और इसको कर लेंगे हम गर्म इसमें उबाल आने तक। और ये देखिए उबल रहा है, और पता है ये बहुत जल्दी से बन जाता है बिना किसी मेहनत के, और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें ऐड कर देंगे हम 3 चम्मच चीनी, तो हम 3 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे और फिर इसको चला लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, इससे ना फ्लेवर आ जाता है तो ये और भी स्वाद बढ़ाता है। ये मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, तो इसको अच्छे से घोल के हम डाल देंगे अपने दूध में। इसको घोलना होता है क्योंकि ये तली में बैठ जाता है, और फिर इसको डालने के बाद इसको हम दूध को चला देंगे अच्छे से। और देखिए इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया ना, येलो सा, और देखने में भी सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया। और फ्लेवर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए है, तो उसके लिए 2 ड्रॉप वैनिला एसेंस के ऐड किए। मैंने 2 ड्रॉप ही डाले हैं क्योंकि थोड़ा सा वैनिला एसेंस कस्टर्ड पाउडर में भी था। एक जार में डालेंगे हम अपना बनाना और ये कस्टर्ड मिल्क शेक जो कि हमने बना लिया था, तो इसमें हमने डाला बनाना। थोड़े से आइस क्यूब भी डालेंगे क्योंकि गर्मी है तो ठंडी ठंडी ड्रिंक तो एनर्जी देती है ना। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और फिर बस इसको कर लिया है ग्राइंड। और देखिए कितना अच्छा सा हमारा शेक बन के तैयार हो गया है ना। और मैंने सारा दूध इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जार में से बाहर ना निकल जाए इस चक्कर में। और देखिए ये हमने ना अपने ग्लास को थोड़ा सा अपने कस्टर्ड मिल्क में डिप कर लिया है, और फिर ये ओरियो बिस्किट को मैंने कूट के रख लिया था, जार से पीस के रख लिया था, तो उसमें डिप कर देंगे। और देखिए थोड़ा सा डेकोरेट हो गया ना, और देखने में भी सुंदर लग रहा है थोड़ा सा, बहुत है ना। तो आप इस तरह से उसे सजा लें, और चाहे तो कोई दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हो। और इसमें ऐड कर लेंगे हम अपना आइस क्यूब, और फिर डालेंगे अपना बनाना का मिल्क शेक, और फिर बचा हुआ जो कस्टर्ड मिल्क था ना वो भी इसी में ऐड कर देंगे। और देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, सबको बहुत पसंद आएगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर ऊपर से सजा लेंगे इसको हम अपना पिस्ता डाल के। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और खाओ पियो ऐश करो यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक आप लोग पहले वाली रेसिपी देखिए, और कमेंट कर करके बताइए कि वो कैसी बनी है, और ये ड्रिंक ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बाय।